तो यहाँ का जो माहौल है जनता के जुबान पे यही है कि विश्वनाथ यादव जी को जिताना है। तो हमारा समाज जो है वो जागरूक समाज है, सब समझता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमारा समाज जो है तेजस्वी यादव जी के साथ है, लालू यादव जी के साथ है और यहाँ पर विश्वनाथ यादव जी को वोट कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए जाने माने नेत्री सीमा कुशवाहा जी हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार जो है चर्चा का विषय जो है बनी रहती है। और आज जो है बेलागंज उपचुनाव में जो है जनता के साथ जो है मिलने के लिए आई हैं, जनता से जो है बातचीत करने के लिए आई हैं और इनसे जो है कुछ वार्तालाप करते हैं। चलिए सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो है सोशल मीडिया पर जो है आप चर्चा का विषय जो है बने रहते हैं, सीमा कुशवाहा नाम सुनते हैं जो लोग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपको जो है नहीं पहचानते होंगे, तो इस पहचान का जो है कुछ राज क्या है? शायद मेरी काम जनता को पसंद आती है इसलिए लोग मुझे चाहते हैं और पसंद करते हैं जी, जो कि प्यार देते हैं इस तरह से। तेजस्वी यादव जी बिहार में जिस प्रकार से कार्य किए हैं और इसके बावजूद यदि आप पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं तो वजह क्या है? क्योंकि सीमा कुशवाहा को जो है फील्ड में घूमकर जो है लोगों को बताना पड़ रहा है तो कुछ नहीं? नहीं सब देखिए, हम लोग पार्टी में है तो हम लोग पार्टी के लिए तो प्रचार करेंगे ही जी। और हम लोग आज 4-5 दिन से हम लोग यहाँ हैं बेलागंज विधानसभा में, तो यहाँ का जो माहौल है जनता के जुबान पे यही है कि विश्वनाथ यादव जी को जिताना है, क्योंकि बेलागंज विधानसभा की जो जनता है आप लोग 34-35 साल से साथ देते आ रहे हैं, तो वही विश्वास वही साथ लोग जो है कि आगे भी और आज भी दे रहे हैं जी। तेजस्वी यादव जी जो है ए टू जेड की बात करते हैं और कहीं ना कहीं आप भी जो है कुशवाहा समाज से आती हैं, तो आपके समाज के जो वोटर्स हैं, आपके जो शुभचिंतक हैं, उनके लिए कुछ संदेश? हाँ, उनके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए तेजस्वी यादव जी जो हैं हमारे नेता, कुशवाहा समाज को देखिए, आप अभी लगले लोकसभा बीता है 4-5 महीना पहले जी, तो उसमें कुशवाहा समाज को 7 गो टिकट दी है जी, लेकिन भाजपा वाले ने एक भी नहीं कुशवाहा समाज को टिकट दिया है। तो हमारा समाज जो है वो जागरूक समाज है, सब समझता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमारा समाज जो है तेजस्वी यादव जी के साथ है, लालू यादव जी के साथ है और यहाँ पर विश्वनाथ यादव जी को वोट कर रहे हैं। लालू यादव जी को जो है गरीबों का मसीहा लोग कहते हैं और ऐसा कहते हैं कि एक समय था कि पिछड़ा अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक को जो है ये आवाज़ दिए हैं, बोलने का जो है अपना जो अधिकार दिए हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? ये तो सच्चाई है पूरा जी। और हम ये कहना चाहेंगे कि जब लालू यादव जी की सरकार थी तो हमारे समाज से चाहे हर किसी का वो तो भलाई करते थे, लेकिन अपने समाज के लिए हम बता देना चाहते हैं कि हमारे समाज से लोग 20-25 लोग जो हैं विधायक रहते थे, उनकी सरकार में 4-5 मंत्री भी रहते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी हम लोग के वोट से 20 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कुशवाहा समाज को आगे नहीं बढ़ाए, सिर्फ कुशवाहा समाज को किसी तरह उलझा कर सिर्फ वोट लेते रहे 20 साल से। भाई भाई की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, कहते हैं लव कुश की बात करते हैं, तो भाई भाई में आधा आधा किन बंटवारा होता है, तो ऐसा कोई बताइए नीतीश कुमार जी की सरकार में जो कुशवाहा समाज से 10-15 साल मंत्री रहा हो? कोई नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी खुद जिस समाज से आते हैं, एक तो खुद 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और उनके समाज से श्रवण कुमार जी हैं और भी लोग हैं जो मंत्री 10-15 साल से हैं, तो क्या हमारे बिहार के कुशवाहा समाज में किसी में टैलेंट नहीं है मंत्री बनने का जो 10 साल या 15 साल रहे? तो अब हमारा कुशवाहा समाज जो है बिहार के, उनके अब झांसे में आने वाले नहीं हैं, सब हमारा कुशवाहा समाज जग चुका है, समझ चुका है कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए हमारे लोगों को खाली इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब जो है हमारा समाज जो है हमारे समाज को जो सम्मान दे रहा है, हमारे समाज को सम्मान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दे रहे हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं, हमारा समाज उनके साथ है। नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, ये सोशल मीडिया पर जो है चर्चा का विषय बन गया था, तो इसके लिए कुछ कहेंगे? आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि जब सरकार में आए तेजस्वी यादव जी 17 महीने की सरकार में, उन्होंने 5 लाख युवाओं को नौकरी दी है और नीतीश कुमार जी इतने साल से हैं, 20 साल से 18 साल से 19 साल से हैं ना, लेकिन ये अभी तक नहीं दिए, लेकिन कहते हैं कि हम दिए हैं, इतने दिन से क्यों नहीं दिए? ये तो तेजस्वी यादव जी दिए हैं,
तेजस्वी यादव जी के साथ पूरा बिहार के जनता आशा भरी नजरों से देख रही है। तेजस्वी यादव जी ये भी कहे थे कि जो अब तक जो है 17 साल में नहीं हो पाई थी वो जो है हमने 17 महीना में करके दिखाया, तो क्या लगता है उसका असर जो है ये इस चुनाव में भी, उपचुनाव है 4 सीट पर, इस पर और आगामी जो विधानसभा के चुनाव 25 में होने वाला है, इस पर क्या पड़ेगा? बहुत असर है और जो बिहार के युवा हैं या सभी सम्मानित जनता जो है वो तेजस्वी की ओर आशा भरी नज़रों से देख रही है। और इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, 4 गो उपचुनाव बिहार में हो रहा है, 4ों सीट हम लोग जीत रहे हैं और 2025 में हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। एकदम तय है? हाँ तय है, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आज जो है बेलागंज की धरती पर आए हैं और जितने भी स्थानीय लोग देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनके लिए सीमा कुशवाहा का क्या संदेश रहेगा? हम यहाँ के लोगों से कहेंगे, यहाँ के लोग तो खुद ही कह रहे हैं कि हम लोग इतने दिन से साथ देते आ रहे हैं तो हम आगे भी देंगे, क्योंकि सुरेंद्र यादव जी जैसे कोई ऐसा समाज से भी यहाँ नहीं है। सुरेंद्र यादव जी हर रोज जो है कि हफ्ते में जनता दरबार लगाते हैं अपने आवास पे, वहाँ लोग जो है अपनी समस्या लेकर जाते हैं, चाहे किसी का इलाज करवाना हो या कुछ भी करवाना हो, वो चाहे पटना पैर भी करना हो या दिल्ली पैर भी करना हो, वो सारा काम करते हैं, जनता की हर दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों को वो खोना नहीं चाह रहे हैं बेलागंज के विधानसभा के सभी सम्मानित जनता। प्रशांत किशोर का भी एक बयान सामने आया था अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, कि वो कह रहे थे बेलागंज से जो है आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो 3रे नंबर पर चले जाएंगे। देखिए यहाँ की जनता जो है ठान लिया है, हर किसी की जुबान पर है विश्वनाथ यादव जी को जिताने के लेकर। विरोधी तो गलत प्रचार करता ही रहता है, वो तो देखने का समय आने पर पता चल जाएगा कितना क्या है जी। क्योंकि हमारा जो यहाँ पर विश्वनाथ यादव जी जो हैं वो जीत रहे हैं बहुत भारी मतों से।